हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइड बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी माँ की कहानी जो पोजेस होने के बाद अपने ही बच्चों को मारना चाहती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम तीन टीनेजर्स को देखते हैं। ये सभी तालाब के किनारे एक केबिन में वेकेशन मनाने आए हैं, लेकिन उनमें से एक जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी टेरिसा जेसिका को चेक करने जाती है जो केबिन में सो रही थी, लेकिन जेसिका एक किताब पढ़ रही थी जो उसकी लाइंस को एक डरावनी आवाज में रिपीट कर रही थी। टेरिसा उसे पुकारती है, तभी जेसिका उस पर हमला कर देती है और उसे गर्दन से पकड़कर उसके सर के बाल नोच लेती है। टेरिसा भागते हुए केलब के पास जाती है जो लेक साइड पर अपना ड्रोन उड़ा रहा था। वो टेरिसा को देखकर काफी डर जाता है। तभी जेसिका वहां आकर उसके ड्रोन से खुद को ही मार लेती है और पानी में गिर जाती है। केलब उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है, लेकिन जेसिका केलब को पकड़कर उसके शरीर से उसके सर को ही उखाड़ देती है और वो खुद पानी के ऊपर हवा में तैरने लगती है। ये सीन देखने में काफी डरावना था। और अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम एक दिन पहले का समय देखते हैं, जहाँ हम एक लड़की पेट को देखते हैं जो एक बार के बाथरूम में खुद को प्रेगनेंसी के लिए चेक कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हम बेथ की बहन एली को देखते हैं जो अपने तीन बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका डिवोर्स हाल ही में हुआ था। उसका पति बहुत खड़ूस था, वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करता था और बस चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर कुछ पैसे भेज दिया करता था। इसीलिए ये लोग एक खस्ताहाल बिल्डिंग में रहा करते थे। बेथ और एली बात कर ही रहे थे कि तभी भूकंप आ जाता है और भूकंप की वजह से उनके बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और इधर एली के बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर आ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे लॉकर्स थे और हमें यहाँ पता चलता है कि पहले यहाँ पर बैंक हुआ करता था। तभी एली का बड़ा बेटा डैनी उस गड्ढे के अंदर जाता है और उसे वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। साथ ही उसे वहाँ एक किताब मिलती है जिसका कवर बड़ा ही अजीब सा था। उस किताब में बहुत सारी दांत निकले हुई थी और वहाँ पर उसे एक रिकॉर्ड पे मिलता है जिसके साथ बहुत सारे क्रॉसेस और कॉइन्स रखी हुई थी। और डैनी को वहाँ पर एक फोटो भी मिलती है जिसमें तीन फादर्स थे। डैनी वो किताब और रिकॉर्ड लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसे ऐसा करने से ब्रिजिट मना करती है क्योंकि वो इन सब चीजों को देखकर काफी डर गई थी। घर पर आने के बाद डैनी एक्साइटमेंट में उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में किताब में बने दांतों से उसे कट लग जाता है और एक बूंद खून उस किताब पर गिर जाती है। गिरते ही वो खून किताब सोख लेती है। फिर डैनी को किताब में बहुत सारी अजीब सी फोटोज दिखती हैं जो कि काफी ईवल और डिमोनिक थे। ब्रिजिट अब भी डैनी को वो किताब पढ़ने से मना करता है, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और उस रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन कर देता है जिसमें उस किताब के बारे में बताया गया था कि यह किताब इंसानी चमड़े से बना हुआ है और उसमें बनाई हुई ड्रॉइंग्स इंसानों के खून से की गई है। और उस किताब के बारे में कुछ प्रीस्ट रिसर्च कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। वो प्रीस्ट ये बताते हैं कि ये किताब इस दुनिया की है ही नहीं। तभी अचानक वो प्रीस्ट इस किताब में लिखी चीजों का चैंटिंग करने लगते हैं और उस किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं। और तभी हमें ऐसा फील होता है कि कोई डीमन इस किताब से आजाद हो गया है और वो किसी को पोजेस करने के लिए ढूंढ रहा है। तभी अली लिफ्ट से ऊपर आती है और वो डीमन उसे पोजेस कर लेता है। लिफ्ट के केबल एली को बांध लेते हैं और एली को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि वो पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। फिर एली अजीब तरह से वॉक करते हुए अपने घर में आती है और वो किचन में जाकर अंडों को शेल के साथ फोड़कर उसका आमलेट बनाती है जो बड़ा घिनौना दिख रहा था। फिर एली खूब सारा उल्टी करती है और वहीं पर मर जाती है, जिसे सभी लोग खड़े होकर वहाँ देख रहे थे क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वहाँ एली के दो नेबर्स आ जाते हैं जो एली के सामने बैठकर प्रेयर्स पढ़ते हैं और उनमें से एक एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एली की आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। फिर दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई थी और स्टेयर्स भी टूट गए थे। फिर सभी मिलकर एली को बेड पर रखते हैं। तभी
बेथ को एली के फोन से उसकी आवाज सुनाई देती है जो खुद को बचाने की बात कह रही थी। लेकिन तभी बेथ को ये फील होता है कि एली की बॉडी बहुत ज्यादा तप रही है और उसे ठंडा करने के लिए वो एली को बाथटब में रख देती है। लेकिन तभी अचानक एली बाथटब से ऊपर निकलती है जो काफी डरावनी दिख रही थी और वो सीलिंग पर लटक कर सब पर हमला करने लगती है। तभी एली इतनी जोर का चिल्लाती है कि आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं और उनमें से एक बड़े से कांच को लेकर एली बेथ के हाथ पर चुबा देती है और फिर वो अपने टैटू बनाने वाली मशीन से ब्रिजिट के गालों पर खरोंच देती है। तभी ये सब देखकर डैनी एली पर हमला कर देता है और हाथापाई में एली घर से बाहर निकल जाती है और सभी लोग खुद को घर में बंद कर लेते हैं। लेकिन एली के दोनों नेबर घर के बाहर थे जो लिफ्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एली उन पर हमला करके उन्हें मार डालती है। फिर वो घर के बाहर आकर अपनी छोटी बेटी कैसी को बुलाती है। वो कैसी को फुसलाकर घर का दरवाजा खुलवा लेती है। तभी बेथ और डैनी ये देख लेते हैं और वो किसी भी तरह फिर से एली को घर के बाहर कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिजिट को जो खरोच लगी थी उसमें से काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है जिसे देखकर ये फील हो रहा था कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है और फिर वो भी पोजेस हो जाती है और फर्श पे पड़े कांच को खाने लगती है और वो बेथ और डैनी पर हमला कर देती है। लेकिन कैसी हिम्मत जुटाकर अपने एक स्टिक से उसके सर पर वार करती है जिसकी वजह से ब्रिजिट बेहोश हो जाती है और तभी डैनी चालाकी दिखाते हुए ब्रिजिट को बेड से बांध देता है। फिर वो बेथ को ये बताता है कि ये सारी उसकी गलती है क्योंकि उसी ने उस बुक को खोला और उस डीमन को इस दुनिया में लेकर आया। फिर बेथ उस रिकॉर्डिंग को सुनती है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर इस डीमन का सामना कैसे कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एली वेंटिलेशन के थ्रू घर के अंदर आने की कोशिश करती है। तभी ब्रिजिट भी जाग जाती है और खुद को आजाद करके डैनी को स्टैप कर देती है। लेकिन डैनी हिम्मत दिखाते हुए उसे जलाकर मार डालता है। डैनी काफी घायल हो चुका था और उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। और वहीं एली वेंटिलेशन से घर के अंदर आ जाती है और वो बेथ पर हमला कर देती है। तभी उस डीमन को ये समझ आता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और वो उससे चिल्लाकर कहती है कि आज वो दो सोल्स को अपना खाना बनाएगी। तभी कैसी बेथ को एक सीजर पास करती है जिससे वो एली के सर पर वार कर देती है और एली कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। तभी बेथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक एली उस पर फिर से हमला कर देती है। बेथ पड़ोसी की गन को लेकर उसे एली पे फायर करती है जिसकी वजह से एली के हाथ और पैर दोनों कट जाते हैं। लेकिन तब तक बाकी के मरे हुए लोग पोजेस हो जाते हैं और वो सभी एली के पेट को नोच कर उसमें मर्ज होने लगते हैं ताकि वो सभी मिलकर एक हो जाएं। तभी लिफ्ट खुद ब खुद ठीक हो जाती है और बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट से भागने लगती है। तभी लिफ्ट में खून भरने लगता है जिसमें वो डूबने ही वाली थी कि तभी लिफ्ट नीचे पहुंच जाता है और वो खून के साथ बहकर वहां से बाहर निकल आती है। तभी बेथ कैसी को लेकर एक कार में जाती है जो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं। फिर अचानक वहां पर एली आ जाती है जो सभी लोगों के साथ मर्ज होने पर एक स्पाइडर के जैसे दिख रही थी। बेथ कैसी को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन एली कैसी को पकड़ लेती है। वो कैसी को भी मारने ही वाली थी कि तभी बेथ एक चेनसो लेकर वहां आ जाती है और फिर एली और बेथ के बीच लड़ाई होती है जहां वो एक दूसरे को एक श्रेडर में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेथ एली को उस चेनसो की मदद से काट डालती है और उसके पूरे शरीर को उस श्रेडर के अंदर डाल देती है जिससे एली पूरी तरह से श्रेड हो जाती है। लेकिन एली का सर अभी भी बचा हुआ था जो बेथ को उल्टी सीधी बातें कह रही थी। बेथ उसके सर को भी श्रेडर के अंदर डाल देती है और फिर बेथ और कैसी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम जेसिका को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो एली के बिल्डिंग में ही किसी और फ्लोर पर रहती थी और वो उस रात उसी पार्किंग लॉट में जाती है जहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। मतलब एली तो मर गई लेकिन वो डीमन अभी भी खुला घूम रहा था और वो जेसिका को पोजेस कर लेता है जो
टेरेसा के साथ लेक साइड केबिन पर घूमने का प्लान बना रहे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।